इसी सिलसिले में सिद्धि योग थेरेपी सामने आई है। जयपुर के नमन गोयल ने दावा किया कि सिद्ध योग थेरेपी से और मरीजों को भी इसमें अच्छे से ठीक किया जा सकता है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। चलिए हम बात करते हैं नमन गोयल से। गोयल से सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक दावा कर रहे हैं सिद्ध योग, अमेरिका से आपने पढ़ाई भी की इसकी, क्या कुछ यह पद्धति है और किस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं? देखिए, कोरोना वायरस से लड़ाई में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। सिद्ध योग एक योग है और उसके अंतर्गत एक ध्यान की विधि आती है। इस ध्यान की विधि का बैकग्राउंड मोटा मोटा यह है कि ये इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो हमने इस ध्यान की विधि को कुछ जयपुर जोधपुर के करीब 12 से 14 कोरोना वायरस पेशेंट्स को दिया और 12 मतलब 5 फैमिली के 12 लोग ऐसे हैं जो कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन में रिकवर हो गए, जो कि पिछले 3 वीक से हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये जो योग पद्धति है, जो सिद्ध योग, इसमें अगर कोई कोरोना का मरीज है, कोई पॉजिटिव पाया जाता है, तो कितना समय उसको लगेगा कवर होने में और किस प्रकार की ये प्रक्रिया रहती है, थोड़ा सा विस्तार? देखिए, मैं बताता हूँ सिद्ध योग क्या है। योग क्या है, सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट में, कि जो पतंजलि योग सूत्र है, जो पतंजलि ऋषि ने योग पे सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसमें योग को ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डिवाइन कॉन्शियसनेस से मिलन, एडिशन को बोला गया है, जो शक्ति संसार को संचालित करती है उससे मिल जाने को योग कहा गया है। अब इसमें उन्होंने 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पतंजलि ऋषि ने बोला है। सिद्ध योग एक ऐसा मेडिटेशन की एक ऐसा तरीका है जिससे ये 8 जो स्टेप्स हैं ये 1 by 1 अपने आप होते चले जाते हैं, इसलिए इसको सिद्ध योग कहा गया है। ये संचालित कैसे होता है, इसमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना रहता है। और कुंडलिनी जागरण का देखिए, आप सभी ने नाम सुना ही होता है। तो कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी एक शक्ति है जो कि मूल धारा, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो चक्र होता है उसे मूल धारा कहते हैं, वहां पर ये कुंडलिनी शक्ति होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं ये वाला पर्टिकुलरली, तो इससे ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ना शुरू करती है। और जो चक्र होते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी चक्र में कोई इम्बैलेंस है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को, इम्बैलेंस को ही ठीक करती है पहले। धन्यवाद। तो ये थे नमन जी, जो कि इनका कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो सिद्ध योग जो है उसे अपने जीवन में जो है आप भी